वेल गाइज, तो फाइनली AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू का मेन इवेंट शुरू हो चुका है। और गाइज, आज यहां पर AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर इस समय समुआ जो और MJF के बीच में AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच चल रहा है। और गाइज, यहां पर आज इस मैच के शुरू होने से पहले AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर एडम कोल भी उनका रिटर्न कर चुकेंगे। वेल गाइज, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, AEW के आज वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर AEW कंपनी पॉसिबली उनके डेविल को अनमास्क करने वाली गए। और गाइस, यही समुआ जो और MJF के मैच के शुरू होने से पहले, अब जबकि एडम कोल अरीना के अंदर एंटर कर चुके गए, तो गाइस इस चीज की 95% पॉसिबिलिटी गए कि एडम कोल आज यहां पर पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर पॉसिबली यहां पर MJF के ऊपर हील टर्न करेंगे। और गाइस, एडम कोल डेफिनेटली वो रेसलर होने वाले गए जो AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर AEW में डेविल के तौर पर रिवील होने वाले गए। और गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडम कोल रिंग साइड एरिया के ऊपर इस समय जिस तरह बैसाखी लेकर चल रहे गए, एडम कोल क्या यहां पर सच में इंजर्ड है या एडम कोल की इंजरी हील हो चुकी गए। वेल गाइस, एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि आज यहां पर पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर एडम कोल के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि आखिर AEW में डेविल के बाकी लोग कौन है। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर एडम कोल इस मैच के अंदर इंटरफियर करके समोआ जो को AEW का वर्ल्ड चैंपियन बनवाते गए या MJF के टाइटल के रिटेन होने के बाद एडम कोल MJF के ऊपर टर्न करते गए। वेल गाइस, अब से कुछ मिनटों के अंदर हमें ये पता चलने वाला है कि आखिर यहां पर वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर एडम कोल डेविल के तौर पर अटैक करेंगे या नहीं।